हेलो हाय, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रताप। वेलकम टू माय चैनल प्रताप ब्लॉग्स। मैं हूं अभी ओमान का मस्कट सिटी में और मैं बिलोंग्स करता हूं मैकेनिकल बैकग्राउंड से। और हम लोग का जो आज टॉपिक लिए हुए हैं वो है ऑटोमोबाइल इंजन। ऑटोमोबाइल इंजन के बारे में इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोग उसका बारे में डिस्कशन करेंगे। जो टॉप 10 बेस्ट क्वेश्चन होगा ऑटोमोबाइल इंजन के लिए उसको हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। और मेरा चैनल में आज जो नया है प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कर दीजिए, दोस्तों लोगों के साथ शेयर कीजिए अच्छा लगा है तो, और सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। तो चलते हैं हमारा जो वीडियो में चलते हैं, ऑटोमोबाइल इंजन के बारे में डिस्कशन करते हैं। और बहुत दिन से थोड़ा नहीं आ पा रहा था वीडियो, उसके लिए सॉरी, और अभी कंटिन्यू वीडियो आएगा। चलते हैं हमारा टॉपिक में ऑटोमोबाइल इंजन के बारे में और डिस्कशन करते हैं, चलते हैं वीडियो में। तो दोस्तों जो हम लोग का टॉपिक है आज वो है टॉप 10 क्वेश्चंस ऑन ऑटोमोबाइल सेक्शन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर मैकेनिकल स्टूडेंट। जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो पार्ट है ऑटोमोबाइल इंजन के बारे में। चलते हैं पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हिच पार्ट इज कनेक्टेड विथ पिस्टन इन इंजन। इंजन में पिस्टन के साथ में कौन सा पार्ट कनेक्ट होता है, जरूर इसको ध्यान देके सुनिए, बाद में आंसर दीजिएगा। क्योंकि इंजन में पिस्टन के साथ में कौन सा पार्ट कनेक्ट होता है, जरूर याद रखिए। चलते हैं आंसर का तरफ। आंसर है कनेक्टिंग रॉड। जो कनेक्टिंग रॉड होता है वो पिस्टन के साथ कनेक्ट होता है इंजन में, जरूर इसको याद रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं इंटरव्यू में, जरूर इसको याद रखिए। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के। सेकंड क्वेश्चन है रेसिप्रोकेटिंग इंजन इज ऑल्सो नोन एज। हम लोग रेसिप्रोकेटिंग इंजन को किसी नाम से जानते हैं उसका बारे में जरूर याद रखिए। ये जो क्वेश्चन मैं लिया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको एक एक करके याद कीजिए और रिवाइज कीजिए। चलते हैं आंसर का तरफ। आंसर है पिस्टन इंजन। हम लोग रेसिप्रोकेटिंग इंजन को पिस्टन इंजन का नाम में भी जाना जाता है, जरूर इसको याद रखिए। रेसिप्रोकेटिंग इंजन को पिस्टन इंजन का नाम जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SI एंड CI इंजन। इंजन में SI का फुल फॉर्म क्या है और CI का फुल फॉर्म क्या है, इसको जरूर याद रखिए। कहीं पे आप ऑटोमोबाइल सेक्शन से बिलोंग कर रहे तो जरूर इसको याद रखना जरूरी है, बहुत इंटरव्यू में पूछता है। चलते हैं आंसर का तरफ। आंसर है SI मतलब होता है स्पार्क इग्निशन, और जो CI का मतलब होता है कंप्रेशन इग्निशन, जरूर इसको याद रखिए। SI होता है स्पार्क इग्निशन एंड CI का मतलब होता है कंप्रेशन इग्निशन, इसको जरूर याद रखिए। बहुत सारा इंटरव्यू में ये पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन यही होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डज स्पार्क प्लग इज यूज्ड इन डीजल इंजन। डीजल इंजन में स्पार्क प्लग का यूज्ड होता है क्या, ये सर नो दिया है। चलते हैं आंसर का तरफ में और देख लेते हैं डीजल इंजन में स्पार्क प्लग लगता है कि नहीं लगता है। उसका आंसर है बी नो, जो स्पार्क डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं लगता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच पार्ट सील्ड द गैप बिटवीन पिस्टन एंड सिलेंडर। पिस्टन एंड सिलेंडर का बीच में जो गैप रहता है उसको कौन सा पार्ट सील कर देता है, जरूर इसको ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझिए बाद में आंसर दीजिए। पिस्टन और सिलेंडर का बीच में जो गैप रहता है उसको कौन सा पार्ट सील कर देता है। चलते हैं आंसर का तरफ। आंसर है पिस्टन रिंग। जो पिस्टन रिंग होता है वो जो गैप रहता है पिस्टन और सिलेंडर का बीच में उसको सील कर देता है, जरूर इसको याद रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर है, जरूर इसको याद रखिए। बहुत सारे इंटरव्यू में ये पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मूवमेंट ऑफ पिस्टन ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक। जो पिस्टन का मूवमेंट होता है ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक का टाइम में को कैसा होता है, मूवमेंट कैसा होता है, उसका जरूर ये क्वेश्चन को जरूर अच्छे से ध्यान दीजिए। व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ पिस्टन, पिस्टन का मूवमेंट क्या है ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक। उसका आंसर है बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर। उसका आंसर जरूर याद रख लीजिए। जो कंप्रेशन स्ट्रोक का टाइम है पिस्टन का जो मूवमेंट होता है वो होता है बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर, जरूर इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म एंड मीनिंग ऑफ CC इन ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में जो CC का फुल फॉर्म क्या होता है, जरूर इसको हम लोग सुने होंगे। ये 150 CC का बाइक है, वो 300 CC का बाइक है, बुलेट है,
इसको जरूर हम लोग सुने होंगे, पर उसका मतलब क्या है, सीसी का मतलब क्या है जान लेते हैं। चलते हैं आंसर का तरफ। आंसर है क्यूबिक सेंटीमीटर। जो सीसी का मतलब होता है वो 150 सीसी का गाड़ी है, मतलब वो 150 क्यूबिक सेंटीमीटर का इंजन ऑटोमोबाइल का इंजन होता है उसमें। जरूर इसको क्या सीसी क्या इंडिकेशन करता है उसको जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ टर्क। टर्क का यूनिट क्या है। हम लोग जो टर्क होता है बहुत सारा बाइक में दिया होगा 8.5 भी टर्क देता है, उसका मतलब क्या रहता है, टर्क को हम लोग कौन सा यूनिट में नापा जाता है। उसका आंसर है न्यूटन मीटर ऑफ NM में नापा जाता है। कहीं पर टर्क दिया होगा लिखा होगा 8.5 NM, न्यूटन मीटर में हम टर्क को नापते हैं। जरूर उसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ABS इन ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में ABS का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। आप तो सुने होंगे इसका ABS सिस्टम का ब्रेक है, इसका ABS का फंक्शन है, ये सुने होंगे बाइक में, पर ABS का फुल फॉर्म क्या है इसको जानना जरूरी है, क्योंकि ABS सिस्टम इंडिकेट करता है। चलते हैं आंसर का तरफ में और देख लेते हैं। आंसर है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। जो ABS सिस्टम होता है वो होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। जरूर इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ज़्यादातर ब्रेकिंग सिस्टम है, एक एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कर दीजिए, दोस्तों का साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 1% भी आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों का साथ शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। और आज हम लोग का टॉपिक था ऑटोमोबाइल इंजन के बारे में, आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। आपको कहीं पे नया नया इक्विपमेंट के बारे में भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस रिलेटेड वीडियो लेके आऊँगा, नहीं तो उसको आप कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई करने के लिए कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, सलाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।